यार रात के 1 बज रहे हैं और ये हम हैं। सुबह हमारा पेपर है, हमारी नींद नहीं आ रही और हमारी बहुत गंदी पट रही है। चलो मिलते हैं। सो गाइस, अब बज गए हैं सुबह के 9। रात को मुझे 3 बजे तक नींद आई और उसके बाद भी नींद बार बार खुलती रही, बट स्टिल आई एम हैप्पी एटलीस्ट नींद आ गई क्योंकि पहले नींद नहीं आती थी और अच्छा लग रहा है काफ़ी। अब तैयार होते हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यार एग्ज़ाम में जाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप एक चेकलिस्ट ज़रूर बना लें जो भी चीज़ें आपको लेकर जानी है एग्ज़ाम में, ताकि आप कुछ भी ना भूलें। तो चलो वही चेकलिस्ट बना लेते हैं। सो गाइज, मेरी चेकलिस्ट बन गई है मेंस में, जो भी सामान मेरे को लेके जाना है। तो चलो जल्दी जल्दी ये सारा सामान कलेक्ट कर लेते हैं और फिर टिक मार देंगे ताकि हम अश्योर हो जाएं कि हमारा कुछ भी इम्पोर्टेंट सामान ना भूल जाए घर पे। तो यार जैसे कि तुम देख सकते हो, मैंने सारा सामान ले लिया है यहाँ पर जो भी मुझे ज़रूरत थी, और चेकलिस्ट में मार्क भी कर दिया है। और दूसरी चीज़, सैनिटाइज़र और ग्लव्स लिखना भूल गया था मैं, तो मैंने वो भी लिख लिया है। ग्लव्स ऑल्दो ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटर पे मतलब कंपलसरी हो, बट एडमिट कार्ड में लिखा है इसलिए मैंने लिख लिया। अभी मुझे सिर्फ अंडरटेकिंग साइन करानी है, सो वो करा लेंगे और फिर वील बी डन। उसके बाद मैं अब थोड़ी सी रिविजन करूँगा छत पर जाकर शॉर्ट नोट्स की और फिर देख। तो यार अभी हो रहे हैं अराउंड 10:45 और मुझे घर से निकलना है अराउंड 11:45 क्योंकि मेरा दोपहर का शिफ्ट का एग्ज़ाम है और रिपोर्टिंग टाइम 2 PM है। बट स्टिल आई वुड प्रेफर कि मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊं और ताकि कोई दिक्कत हो तो उसमें भी मैनेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अब मैं करूँगा थोड़ा शॉर्ट नोट्स की रिविज़न अपने आधा घंटे के करीब, उसके बाद अपना नाश्ता वाश्ता करके निकलेंगे मेंस के लिए। तो मैं आज मेट्रो से जाऊंगा वैसे तो, क्योंकि जो मेरा सेंटर है वो जस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे है। और दूसरी चीज़, 11 से 12 मेरे एक फिज़िक्स का पेपर भी है कॉलेज का, बट वो मेरे लिए मेरी बहन करेगी, आज छोटी बहन करेगी, नॉट बड़ी बहन। तो आंसर्स वगैरह टेलीग्राम पे आ जाते हैं, तो कॉलेज लाइफ तो ऐसी चल रही है अभी, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह। तो दैट वॉज इट, चलो शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेता हूँ। तो यार मेरे सभी शॉर्ट नोट्स अब रिवाइज हो गए हैं जो मेरे को अभी करने थे, और अब हो गए हैं कुछ 11:22, ठीक है। तो मेरे को 11:45 तक निकलना था और मुझे अभी नाश्ता भी करना है, तो मैं जल्दी से नीचे जाऊंगा, नाश्ता करूंगा और फिर निकलेंगे एग्ज़ाम सेंटर के लिए। सो लेट्स गो।
तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच गया हूँ। मेरा जेई मेंस हो गया है, 26 की सेकेंड शिफ्ट थी और मेरे ख्याल से मेरा पेपर ठीक ठीक हुआ है, सितंबर की तरह ही हुआ है, क्योंकि मैंने कोई प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं करी थी, बस जस्ट रिवाइज करा था चीज़ों को। केमिस्ट्री थोड़ी बेटर हो गई जितनी मेरी प्रिपरेशन थी उसके हिसाब से, और मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट में मैंने थोड़ी गलती कर दी, तो लेट्स सी रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिनों में। फिजिक्स वॉज गुड और मेरे ख्याल से पेपर थोड़ा सा ईजी ही था और सारे पेपर्स ईजी थे, और अगर मेरी राय लोगे तो कट ऑफ इस साल थोड़ी सी नीचे ही जाने वाली, मतलब कट ऑफ ना ऊपर जाएंगी, सॉरी मतलब क्योंकि ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे उतनी ही परसेंटाइल स्कोर करने पे, ऐसा इसलिए क्योंकि पेपर्स थोड़े से ईजी थे। और चलो अभी मुझे 9 बजे लाइव भी जाना है, तो आप ये व्लॉग शायद 28th को देख रहे होंगे या फिर 27th को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, दिस वॉज माई फर्स्ट व्लॉग और इतना कुछ खास नहीं था, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट और व्लॉग्स लेके आता रहूँगा। आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा कॉन्टेंट शिफ्ट करने की तरफ या फिर थोड़ा सा कॉन्टेंट ऐड करने की तरफ, तो बेटर कॉन्टेंट लेके आएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है? और बस यही था, सो लेट्स एंड दिस, बाय बाय।